Okay, hello everyone. Today I am explaining you your question answers, short question answers, and define the following terms of your chapter number 9, animal growth and reproduction. So the first term is molting. Molting first term जो आपकी है वो है molting. इसका मतलब क्या होता है? Shedding of old skin during the transformation of a young insect into an adult one is called molting. Shedding of old skin मतलब पुरानी skin को उतारना. And during the transformation of young insect into adult one, जब young insect छोटा baby insect जो होता है, जब वो adult बनता है, जब वो बड़ा होता है, तो अपनी वो पहले वाली skin उतार देता है, तो इसको हम बोलते हैं molting. Molting, shedding of old skin, पुराने skin को उतारना. कब? During the transformation. Transformation मतलब बदलना. यंग इंसेक्ट जब बदलता है, बड़ा होता है, एडल्ट बनता है, तब वो अपनी स्किन उतार देता है, उसको बोलते हैं मोल्टिंग. द नेक्स्ट इज इनक्यूबेशन. इनक्यूबेशन इसका मतलब क्या है? सिटिंग ऑफ द मदर और फादर बर्ड ऑन देयर एग्स इन ऑर्डर टू कीप देम वार्म, ब्रिंग देम टू हैचिंग इज कॉल्ड इनक्यूबेशन. इसके अंदर क्या होता है? इनक्यूबेशन के अंदर क्या होता है? सिटिंग ऑफ मदर और फादर बर्ड, जो मदर बर्ड है या फादर बर्ड है, क्या करते हैं वो? एग के ऊपर बैठ जाते हैं. ऑन देयर एग्स, अपने जो उन्होंने एग्स ले किए होते हैं उसके ऊपर वो बैठ जाते हैं. क्यों? इन ऑर्डर टू कीप देम वार्म, ताकि जो एग्स हैं उनको वो गर्म रख सकें. वार्म मतलब गर्म रख सकें. एंड ब्रिंग देम टू हैचिंग, और वो हैचिंग मतलब वो टूट के, फूट के, वो उसमें से बेबीज बाहर निकल आए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनक्यूबेशन. इनक्यूबेशन जिसके अंदर क्या करते हैं? मदर या फादर बर्ड क्या करता है? एग्स के ऊपर बैठता है, जिससे एग्स गर्म रहते हैं, और फिर उसके बाद एग्स मतलब सिक जाते हैं, और सिकने के बाद वो फूटते हैं और उसमें से बेबी बाहर निकल आता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनक्यूबेशन. देन आगे क्या है? मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस इसका मतलब क्या होता है? द कंप्लीट चेंज इन लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग फ्रॉम अ यंग फ्रॉग टू एन अडल्ट वन इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करते हैं? एक लाइफ साइकिल होती है. मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? कंप्लीट चेंज इन लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग फ्रॉम अ यंग फ्रॉग टू एन अडल्ट फ्रॉग इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. ओके, आगे इसके अंदर है बेटा द कम्प्लीट चेंज इन लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग फ्रॉम अ यंग फ्रॉग टू एन अडल्ट फ्रॉग. जब एक यंग फ्रॉग अडल्ट बनता है तो उसकी लाइफ साइकिल में चेंज आता है, तो उस लाइफ साइकिल के जो ये प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस. फिर नेक्स्ट आगे हमारे आगे शॉर्ट आंसर्स. वाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स. रिप्रोडक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? सभी जीवित व्यक्ति के लिए, या फिर जीवित जो भी हैं, इंसान या फिर जीव हैं, उन सभी के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कि मतलब आगे बेबीज को बर्थ देना, आगे न्यू जनरेशन पैदा करना. तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है ताकि लाइफ को मेंटेन किया जा सके, लाइफ को कंटिन्यू किया जा सके अर्थ के ऊपर, इसलिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब उनके आगे बेबीज कैसे होते हैं? क्या है इसका आंसर? ऑल द ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे. सभी ऑर्गेनिजम्स सेम वे में, सेम तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली व्हाइल सम ले एग्स. सभी ऑर्गेनिजम्स एक तरह से ही रिप्रोड्यूस नहीं होते. कुछ होते हैं वो अपने यंग वंस मतलब बेबीज को बर्थ देते हैं, और कुछ एग्स ले करते हैं, मतलब कुछ एग्स दे के देते हैं, एग्स में से बच्चे निकलते हैं, और कुछ डायरेक्ट ही बेबीज को बर्थ देते हैं. नेक्स्ट इज इनक्यूबेशन. नेक्स्ट है व्हाट इज इनक्यूबेशन. आफ्टर लेइंग द एग्स द मदर और फादर बर्ड सिट्स ऑन द एग्स इन ऑर्डर टू कीप देम वार्म एंड ब्रिंग देम टू हैचिंग. दिस पीरियड इज कॉल्ड इनक्यूबेशन. जब बेबी पैदा होता है, जब जो मदर एग्स देती है, उसके बाद मदर और फादर, मदर या फिर मदर या फादर
एग्स के ऊपर बैठते हैं ताकि उसको वार्म रख सके, उसको गर्म रख सके और उसको हैच करवा सके. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनक्यूबेशन. नेक्स्ट है, विच ऑफ द एरियल एनिमल गिव्स बर्थ टू इट्स यंग वंस. कौन सा ऐसा एरियल एनिमल है, मतलब जो हवा में उड़ सकता है ऐसा एनिमल, और वो यंग वंस को बर्थ देता है, मतलब वो अंडे नहीं देता बल्कि वो बेबीज को बर्थ देता है. तो वो कौन सा एनिमल है? बैट. बैट गिव्स बर्थ टू इट्स यंग वंस. द नेक्स्ट इज, व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एग. एग के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, क्या है ये? एल्ब्यूमन, योक एंड एम्ब्रियो आर द मेन पार्ट्स ऑफ एग. एग के मेन पार्ट्स कौन से होते हैं? एल्ब्यूमन, योक एंड एम्ब्रियो, और दीज आर कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड एगशेल. और ये किससे कवर होते हैं? हार्ड लेयर से कवर्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एगशेल, एग शेल. तो ये आपके हो गए बेटा शॉर्ट आंसर्स और आपके टर्म्स, डिफाइन द टर्म्स.